हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी बीपीएससी पर। थोड़ी देर पहले यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस जारी की है, कॉमन मिस्टेक्स डन वाइल फिलिंग ओएमआर शीट और स्कैनेबल अटेंडेंस शीट। ओके, सो दिस नोटिस हैज़ बीन अपडेटेड बाई यूपीएससी। विल सी क्या इस नोटिस में है, हम लोग देखते हैं कि इस नोटिस में यूपीएससी हमें क्या बताना चाहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि जब भी आप अपने एग्जाम हॉल में जाते होंगे तो कुछ ना कुछ ओएमआर शीट से रिलेटेड चैलेंजेस आपको मिलता होगा वहाँ पे, जैसे कि कहाँ पे किस कॉलम में क्या भरना है, राइट, या फिर सेंटर का नाम क्या है, कोड लिखना है, सेंटर कोड लिखना है या नहीं। ओके, ओएमआर फिलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रॉब्लम होती है। ओके, और सेंटर वाले पर्सन उतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते इन चीज़ों को बताने के लिए, क्योंकि उन्हें इसकी समझ पूरी तरह से होती नहीं है। मे बी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, मे बी वो लोग कर नहीं पाते समय के अभाव में, वी कैन नॉट से दैट, बट द थिंग इज़ दैट, द बॉटम लाइन इज़ दैट कि ओएमआर से रिलेटेड, फिलिंग से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, और उसी को क्लैरिफाई करते हुए यूपीएससी ने ये नोटिस जारी किया है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो ये तो फर्स्ट पेज है इसका। सेकेंड पेज पर आते हैं, ये आपका ओएमआर शीट है यूपीएससी का। ओके, मैं इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि पता चले क्या क्या इसमें है। आमतौर पर तो सबने आपने देखा ही है इसे, ठीक है ना। यह सेंटर है, यहाँ पे इन जनरल आपको सेंटर नेम लिखना होता है, यहाँ पे विषय लिखना होता है, ये पुस्तिका सीरीज़ या फिर बुकलेट सीरीज़, यहाँ पे ए बी सी डी जो भी है वो इसमें लिख करके, यहाँ पे मान लीजिए आपका सेट बी है तो बी लिख के यहाँ पे रंगना होगा, फिर विषय कोड 0102 जो भी रहेगा, और अपना रोल नंबर लिख के इसको रंगना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आंसर्स मार्क करने हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनविजिलेटर साइन करते हैं, ठीक है, आपको खुद नहीं साइन करना है यहाँ पे। यहाँ पे कौन साइन करते हैं, यहाँ पे इनविजिलेटर साइन करते हैं। ओके, ये आप समझ गए इस बात को, फाइन। तो इसके अलावा इस शीट पे और कुछ रहता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बाकी अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं, और देखते हैं आगे क्या आया है नोटिस इसके बाद अगले शीट पे। मिस्टेक्स इन ओएमआर शीट। ओके, इन कोडिंग बुकलेट सीरीज बाय द कैंडिडेट, सीरीज़ ए सर्व टू द कैंडिडेट। अगर ए सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट को दिया गया है तो कैंडिडेट कभी कभी क्या होगा, ए लिखना और ए को यहाँ पे आपको मार्क करना, राइट। बट होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कुछ कैंडिडेट से गलती हो गई तो क्या क्या गलती हो जाती है, ए लिखा रहता है और सी, मान लो सी बी डी कुछ भी मार्क हो गया, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। कैंडिडेट एनकोडेड सी इंस्टेड ऑफ ए, क्योंकि ये जो होता है ना रिटन पार्ट, ये कंप्यूटर रीड नहीं करता है। ओके, कंप्यूटर क्या रीड करता है, कंप्यूटर जो है, जो ये इनकोडेड पार्ट होता है इसे रीड करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सही होना जरूरी है, अगर इसमें कुछ एरर आ भी जाता है ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। नाउ लेट्स सी आफ्टर दिस व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, मार्कशीट मिस्टेक्स इन ओएमआर, इनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट कंटिन्यूड। ओके, सीरीज ए सर्व टू द कैंडिडेट, अब ये लिखना ही छूट गया, कौन सा सीरीज है, फिर कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा, स्कैनर को पता ही नहीं चलेगा कि किस सीरीज का आंसर को चेक करना है, तो उसके कारण क्या होगा, आपका ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा या अनचेक्ड रह जाएगा। ओके, तो ये है इसका एक साइड इफेक्ट और चैलेंज, ठीक है। सेकंड क्या है, इनकोडिंग सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट कोड 02 मतलब GS2 का पेपर है, मतलब CSAT, ये कौन सा पेपर हुआ, CSAT का हुआ, GS101 से होता है, और रोल नंबर सही से इनकोड करना है इसको, ठीक है। अब मान लो आपने 02 लिखा, ओके, और आपने 2 के जगह ये याद रखना, ये 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, till 9 जाता है, ठीक है। तो आपने 02 के जगह 01 मार्क कर दिया, तो ऑब्वियसली ये GS1 के अकॉर्डिंगली चेक हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर गलत होगा, या फिर रोल नंबर देखिए एक किस तरह से गलत तरीके से मार्क किया है, तो रॉन्ग इनकोडिंग सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर, तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, मिस्टेक्स इन ओएमआर शीट 3 मार्किंग ऑन एरियाज। अब देखो यहाँ पे किसी ने जय श्री राम ओम लिख दिया है, या फिर यहाँ पे कोई मार्क कर देगा इस एरिया पे, ये सब एरिया पे मार्क नहीं करना होता है, ठीक है। ये जो एरिया होता है जहाँ ये डॉट्स बनाए हुए और यहाँ पे जहाँ पे ये बार्स बनाए हुए हैं, इसको नहीं लिखना रहता है इस पर, क्योंकि कंप्यूटर इसी के हिसाब से रीड करता है। इसी देखो हर एक लाइन के सामने एक बार है, ठीक है, तो इन्हीं बार के हिसाब से रीड होता है कंप्यूटर में, ठीक है। और फिर यहाँ भी उसी तरह, यहाँ पे भी कोई लिख देता है, यहाँ पे कुछ मार्क कर देता है, तो ये सब से बचना है, ये सब नहीं करना है। करते ही क्या होगा, जैसे ही आपने ये समय से कोई भी एक गलती की तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ओके, तो इससे बचना है, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, पेपर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इनकोडिंग ऑफ रिस्पॉन्स, गलत तरीके से मार्क कर दिया आपने, जैसे ये
देखिए यहाँ ये तो ठीक है, ये पूरा पूरा जैसे ये सर्कल है तो सर्कल को पूरा रंगना होता है बाहर निकाले बिना, ठीक है ना। कोशिश करना है बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकलेगा तो चांसेस ऑफ एम्बिग्यूटी एरर आ जाता है। अब कोई ऐसे मार्क कर देता है इतना सा रंग के छोड़ दिया, या फिर किसी ने डॉट मार दिया, या फिर किसी ने टिक मार दिया, या फिर किसी ने क्रॉस मार दिया, तो ये सब गलत आंसर है और इसको जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ आंसर, ठीक है, इसको रीड नहीं किया जाएगा। पर इसका एक और ये मतलब नहीं कि आपने एक आंसर पूरा रंग दिया, ठीक है, और एक में आपने मान लीजिए ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी ए बी सी डी है, और सी में आपने एक डॉट मार दिया, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? क्योंकि इसमें दो आंसर मार्किंग पकड़ा जा रहा है। ओके, तो ये सब बात है इसमें। कैंडिडेट शुड इंक्लूड इनकोड बबल्स कम्प्लीटली विद इन द मार्किंग रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ लिखा है विद इन द मार्किंग रिस्पॉन्स, सॉरी वाइल मेकिंग रिस्पॉन्सेज, ठीक है, विद इन नहीं लिखा था उसका। अच्छा, वो तो हो गया आपका ओ एम आर शीट से रिलेटेड। और एक होता है हमारा स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट आता है, एक ये बताइए आपको जो अटेंडेंस बीच में भरना रहता है हमें, तो इसमें भी ठीक से करना होता है सब कुछ, ठीक है ना। ये आपका स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट है, देखा ही होगा आप लोगों ने, नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिन्होंने पहली बार देना है वो सब देख लेने, ठीक है। तो रॉन्ग मार्किंग ऑफ प्रेजेंस, अब देखो पी यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ ए लिखा हुआ है, लड़के ने ए या कैंडिडेट ने ए मार्क कर दिया तो क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो एबसेंट अपने आप को खुद ही घोषित कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या उम्मीदवार का सिग्नेचर उम्मीदवार का कहाँ है, यहाँ होना चाहिए, ठीक है, देखो है ना, रोल नंबर 0080 है जैसे, और यहाँ पे तो ये सिग्नेचर गलत जगह मार दिया, मतलब एक अपने सीट अपने सिग्नेचर की जगह किसी और के बॉक्स में सिग्नेचर मार दिया, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, तो इससे बचना है। करेक्ट प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर एवरी डिटेल ऑफ, हो गया, और सेकंड में क्या, एंट्री मेड एट रॉन्ग प्लेस, ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट है, और ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। उसके आगे देखें, कैंडिडेट शुड फिल डिटेल एट राइट प्लेसेज ओनली, है ना। मिस्टेक इन स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, रॉन्ग मार्किंग ऑफ प्रेजेंस कंटिन्यूड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उम्मीदवार का हस्ताक्षर में तुम काट पीट रहा है, देख रहे हो ये काटा हुआ है, तो ये अलाउड नहीं है, या यहाँ काटा हुआ है, देखो ये सब जो है क्योंकि आपने जब किसी और का आंसर काट दिया, सपोज दैट आपका रोल नंबर 1231 था और आपने 1131 पे मार्क कर दिया और फिर उसको पूरा काट दिया, तो ये बट इस कैंडिडेट का तो चला गया, है ना, इस बात को समझिए कि ये कैंडिडेट कहाँ मार्क करेगा अगर ये प्रेजेंट होगा, तो मान लीजिए एबसेंट है तो फिर बात दूसरा हो जाएगा, लेकिन जब प्रेजेंट है अगर तब क्या होगा आप सोच के देखिए, तो ये एक प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये सब था सारा नोटिस रिगार्डिंग ओएमआर शीट एंड फिलिंग अप ऑफ स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। बहुत सावधानी से बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को, क्योंकि अगर ओएमआर गलत फिल होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा, वेस्टेज, कंप्लीट वेस्टेज है ये, वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके, वेस्टेज ऑफ टाइम, ईयर एक्सेट्रा, ओके। इसीलिए इस ओएमआर शीट को और अटेंडेंस शीट को, ठीक है, दोनों को बहुत समझदारी के साथ बहुत ध्यान दे करके भरना है, क्योंकि इसी से पता, यही आपका रिस्पॉन्स, यही आपका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना, किसके सामने, मशीन के सामने, और से बेटर देन मशीन यू से यूपीएससी के सामने, ठीक है। तो बाद में आप हमेशा देखते हैं, देखे ही होंगे अपने सेंटर पे कि हमेशा ये प्रॉब्लम आती है किसमें क्या भरना है, एक बार मैं बता ही देता हूँ किस सेक्शन में क्या भरना होता है। ऐसे तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि केंद्र का नाम कोशिश करना है इस सेक्शन में इतना दूर में अट जाएगा, ठीक है, विषय इतना दूर में लिख देना है, बुकलेट सीरीज तो यहाँ पता ही है, मान लो ए है तो ए ऐसे करके लिख दिए और रंग दिए, ठीक है। सब्जेक्ट कोड 01, तो 0 पहला होता है, हमेशा देख के भरना है एकदम, ठीक है, और 1 यहाँ पर, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अकॉर्डिंगली इसको कर देना, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आप नहीं लिख के यहाँ पे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, विषय यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में आता है वो यहाँ पे आता है, इस सेक्शन में आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि यहाँ भरूँ, लेकिन इट्स नॉट रॉन्ग कि आप यहाँ भर दें, ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओएमआर शीट को ठीक से भरना होता है, ये आंसर्स को आपको जो है वन बाय वन ही करेंगे, तो मैं तो हमेशा वन बाय वन करता हूँ, मेरा कभी ऐसा गलत नहीं हुआ है, 1 का आंसर मार्क किया, फिर 2 का आंसर मार्क किया, ऐसे करके मार्क करता हूँ, और हमेशा ध्यान देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 का ये लिखा हुआ आंसर जो भी है ए बी सी डी है मान लीजिए, और ए को मैं टिक कर रहा हूँ सपोज दैट क्वेश्चन पेपर में,
ठीक है, तो मन में मैं कहूँगा वन का ए, फिर यहाँ जाऊँगा वन, एंड देन फिर देखूंगा कि हाँ ए बी सी डी में से ए मारना है, तो ए को रंग दूंगा। ठीक है, मान लीजिए टू का सी है, तो फिर आई सी टू का सी, आई से इन मन अपने माइंड में मैं बोलूंगा क्या टू का सी है, और फिर टू पे जाऊंगा, फिर ए बी सी सी को जाके रंगूंगा। इस तरह से मैं रंगता हूँ, ये मेरा स्ट्रेटेजी है, आपका अपना हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, एंड हर आदमी का यूनिक होता है एंड दैट्स गुड। ओके, बट ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करना, हमेशा मिला के क्रॉस चेक हमेशा करना है कि वन का वन में ही जा रहा है, टू का टू में ही जा रहा है। बहुत लोगों को मैंने कहते चल सुना है कि फाइव फाइव के पाँच पाँच करके आप चेक कीजिए कि अगर कोई खराब गलत भी हो गया तो अगला गलत ना हो। मैं कहता हूँ क्यों गलत होगा कोई भी, आप जो वन बाई वन मिला ही ना, आपको 100 क्वेश्चन ही तो मार्क करने हैं एटमोस्ट, वैसे भी कोई भी 70 से ज़्यादा जैसा पेपर आ रहा है, आप 70 80 90 90 बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया, ठीक है ना। इन जनरल लोग 60 70 60 से 80 के बीच का अटेम्प्ट परफेक्ट अटेम्प्ट दिख रहा है आजकल, नथिंग इज परफेक्ट बट आइडियल अटेम्प्ट की तरह दिख रहा है कि 60 से 80 का अटेम्प्ट ठीक रह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ ही जा रहा है आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 से 95 के बीच में, ठीक है। मीन्स ऑब्वियसली बस 45 से मे बी 47 48% के आसपास आपका कट ऑफ जा रहा है, राइट। तो इतना के लिए आपको फिर 45 प्लस 10 20 क्वेश्चंस भी कर दोगे तो ऑब्वियसली 65 से 68 ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इट गोज लाइक दिस, तो हमने हमें यही बात समझना होगा। ओके, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ पता चली होगी यहाँ पर, ठीक है ना। ढंग से देना एग्जामिनेशन 5 जून को है, ठीक है, प्रस्तावित है 5 जून को, ऑब्वियसली हो भी जाएगा, एडमिट कार्ड आपके आ ही गए हैं सब सबके जिन आपने, और मुझे उम्मीद है कि आपने डाउनलोड कर लिया हो। मैंने एक वीडियो भी डाला था एडमिट कार्ड रिलेटेड नोटिस को लेकर के, ठीक है, आप उसे एक बार देख लें, उसमें क्या क्या था मैंने सब समझा दिया है। ठीक से एग्जाम दें और अपने सपनों को पूरा करें, और हमारे चैनल सिंपली इग्नाइटेड, ओके, यूपीएससी बीपीएससी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको सारी नोटिस, बहुत सारे यूपीएससी क्यूरेटेड कोर्सेज, ओके, और नोटिस किसका, यूपीएससी बीपीएससी दोनों का, क्योंकि हमारा फोकस बीपीएससी पे भी है, सिर्फ यूपीएससी पे नहीं है, क्योंकि देखिए यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ही स्टेट सर्विसेज की एग्जामिनेशन है, दोनों अपने अपने लेवल पे सुपीरियर सर्विसेज हैं, ठीक है ना, बेस्ट सर्विसेज में से एक है इंडिया की, तो हम एक से ज़्यादा पे फोकस करें, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम होता है दोनों का, और बच्चे दोनों को ही भरते हैं, तो क्यों ना हम बच्चों के साथ ही, जब हमें रहना है, जब सारे एस्पिरेंट्स के साथ ही रहना है, तो उनके साथ हर जगह रहेंगे, क्यों सिर्फ एक ही एग्जाम में रहें, है ना। तो इस तरह से आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमें और भी इंस्पिरेशन मिलती रहे कि हम और भी ऐसे चैनल और अपने चैनल पे और भी सारे नोटिसेज को हमेशा लाते रहें। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो किसी भी तरह से, इसके हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लाते रहते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या क्या चाहिए हमसे, ठीक है, किस तरह के कंटेंट आपको चाहिए, कंटेंट टाइप, ओके, क्या आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, क्या आपको मोटिवेशनल कंटेंट चाहिए कि क्या पढ़ें कितना पढ़ें, या आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ओके, या एग्जाम रिलेटेड टिप्स चाहिए, राइट, एनीथिंग, आपको जो भी चाहिए आप हमें बताएं, हम उस पर वीडियोज़ लेके आएंगे, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार हैं, आतुर हैं। कहना सिर्फ यही है कि आप क्या तैयार हैं अपनी हेल्प करने के लिए, अगर तैयार हैं देन द स्काई इज योर लिमिट, ओके। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अब टेलीग्राम पे तो पता ही है आप लोगों को सबको, कैसे क्या खोजना है जाके, सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी बीपीएससी, ओके, आप सर्च करें एक ही चैनल, आपको इस नाम से एक ही चैनल ही में है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे हमारा टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा। क्यों टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम में सारे नोटिसेस के हम पीडीएफ डाल देते हैं, ठीक है, डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है, तो उससे रिलेटेड कॉन्टेंट भी वहाँ पर आते हैं, ओके। आगे जो कमिंग अप कोर्सेज है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी वहाँ पर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे वोटिंग्स करवाते हैं रिलेटेड टू कोर्सेज एंड अदर थिंग्स, ओके। तो एनी थिंग रिलेटेड टू एग्जामिनेशन डैट यू फील इज इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट कॉमेंट इट डाउन, विल गेट टू यू, विल ट्राई टू सॉल्व इज एट सून एज पॉसिबल। आपका सिलेक्शन हो, हमारा सिलेक्शन हो, हम सबका सिलेक्शन हो, और हम एक बेहतर भारत का की कल्पना कर सक को साकार कर सके, यही इसी होप के साथ मैंने यह चैनल को शुरू किया है। हमारा चैनल है अभी बहुत नया, लेकिन स्टिल बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारे लोगों की अप्रिसिएशन मिली, हमें बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे, सब्सक्राइब भी किया है लोगों ने, हमें उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी ये चैनल आगे बढ़ेगा,
ठीक है, बट ये इसने शो किया और मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे जुड़े, आप भी इसका एक भाग बने ताकि इस सक्सेस की स्टोरी को हम लोग मिलकर लिख सकें। एंड ऑन दिस नोट आई एंड दिस नोटिस सेशन टुडे, आई होप यू लाइक इट। यस, एक और चीज़ है कि हमने जो है मोटिवेशनल म्यूज़िक भी डालना शुरू किया है फॉर दोज हु लाइक्स टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, जो लॉन्ग आवर्स में स्टडी करना चाहते हैं वो उनके लिए म्यूज़िक है, साइंटिफिकली टेस्टेड म्यूज़िक ही हम लोग डालते हैं, जिसमें कि इसमें दो चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, एक उसका ऑडियो सेक्शन और एक उसका वीडियो सेक्शन। तो वीडियो रहते हैं इंस्पिरेशनल इमेजेस और ऑडियो रहता है इंस्पिरेशनल ऑडियो रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इसे देखें, आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। हाई फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक ऐसे भी पढ़ाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छी मानी जाती है, साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेज लेसन। सो कीप स्टडिंग हार्ड, कीप पेशेंस, कीप परसेवरेंस एंड स्टडी एट, इतना पढ़िए कि आपको जो है बाद में यह बाद में मन में बात ना आए कि मैंने अगर मैं पढ़ लिया होता तो ये हो जाता। ठीक है, आप पढ़िए, अभी ही पढ़िए एंड कीप स्टडिंग हार्ड until we meet again, okay? Bye-bye.